नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास। तेज रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पे। गैंग्स ऑफ बिहार, ऑब्वियसली गैंग बिहार के जो गैंगस्टर हैं उन्हीं पे एक फिल्म। इसमें कई सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जिसमें एक कैरेक्टर है चुन्नू ठाकुर, जो मैं प्ले कर रहा हूँ। चुन्नू ठाकुर काफ़ी सारे क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं हमेशा, तो उन्हीं की लाइफ पे एक कहानी है। और उनकी लाइफ में बहुत सारे अलग पहलू भी रहे हैं जो लोगों को नहीं मालूम है। तो कुमार नीरज बहुत करीब रहे हैं उनके, क्योंकि उन्हीं के शहर से रहे हैं वो। तो कुछ उनके लाइफ की इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लेके आएंगे इस फिल्म के थ्रू। सो चुन्नू ठाकुर आई एम प्लेइंग। थैंक यू। टाइटल गैंग्स ऑफ बिहार कोई खास वजह? नीरज जी हाँ सॉरी सर, स्टोरी के हिसाब से टाइटल रखा गया है गैंग्स ऑफ बिहार, क्योंकि ये वहाँ जो जो बिहार का जो क्या उसको बोलते हैं गैंगवार है, जो रियल राजनीतिक है, सत्ता है, वो कैसे यूज़ करते हैं, जैसे चुन्नू ठाकुर को उन्होंने कैसे यूज़ किया, उसके बाद MLA या MP बनते हैं, वो ये रियल बेस्ड स्टोरी है। इसके लिए इसका रखा गया है गैंग्स ऑफ बिहार। फिल्म आई थी जी, वहीं से नहीं सर, ये सर गैंग्स ऑफ वासीपुर एक जिला की स्टोरी थी, जो वासीपुर धनबाद में है वासीपुर, लेकिन ये है पूरे बिहार की स्टोरी है। आप कह सकते हैं कि जो रियल बिहार में कहते हैं कि वहाँ पे आपराधिक बहुत हैं, या आपराधिक जो है उन्हीं के चलता है बिहार में, क्योंकि वो सत्ता से टाइप होते हैं। और वहाँ पे नियम है कि अगर आपको सत्ता पाना है तो पहले आप आपराधिक बनिए, तब आप सत्ता में आएंगे। तो ये इसी के ताना बाना बुन के ये स्टोरी लिखी गई है, तो उसके हिसाब से टाइटल ये बेस्ट लगा था गैंग्स ऑफ बिहार। मैं एक मल्लत का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, और ये एक मॉमडन लड़की है जो बहुत ही चुलबुली है, थोड़ी लाइक क्यूट टाइप की है, बट थोड़ी अग्रेसिव है। कैरेक्टर एक मेरा ऐसा है जो लड़की बस अपने आप में ही रहती है, किसी से ज़्यादा बोलती नहीं है, किसी से ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होती है, बस अपने में ही रहना, अपने में ही मौज करना। जी नहीं, ये रांची में शूट कर रहे हैं, गुजरात में शूट कर रहे हैं, और भोपाल में शूट कर रहे हैं। तीन लोकेशन में हम शूट कर रहे हैं। सॉन्ग रिकॉर्डिंग है जी, कितने गाने हैं? टोटल सर 5 सॉन्ग है, एक सूफी सॉन्ग है, बाकी 2 आइटम सॉन्ग है, एक लव सॉन्ग है। टोटल इसमें 5 गाने रखे गए हैं। ये आइटम सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो सलामत जी रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या प्लान क्या है? सर ये 20 फरवरी को हम लोग शूट पे जा रहे हैं। सर जैसे कि फिल्म का नाम है गैंग्स ऑफ बिहार, बिहार में काफ़ी बहुत सारे ऐसे गैंग हैं, तो क्या आप किसी पर्टिकुलर गैंग को दिखा रहे हैं अपनी फिल्म में? सर अब ये बताएंगे तो फिर मुद्दा हो जाएगा। गैंग तो बिहार का ही है, तो बिहार को ही दिखाएंगे, लेकिन नाम नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये रियल स्टोरी है, मतलब कि जो वहाँ जो गैंग है ना, उन्हीं में से एक गैंग की रियल स्टोरी है। थैंक यू सो मच। आज मुहूर्त है, क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा किरदार के बारे में बताइए, क्या क्या किरदार निभा रहे हैं आप? और सेंटर लुक दीजिए। जी गैंग्स ऑफ बिहार में मैं एक पंडित का किरदार निभा रहा हूँ, जो मतलब जितने पंचिंग डायलॉग्स है, बाकी जितने कॉमेडी से जितने उसमें कॉमेडी कर सकता हूँ, वो मतलब पूरा डायलॉग ज़्यादातर मेरे ऊपर ही बेस्ड है। और इसमें मैं मतलब प्यार को कुछ नहीं समझता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि पैसा है तो प्यार है, बाकी आप लोग मूवी देखेंगे तो खुद समझ आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट टू द होल टीम, द एंटायर टीम, द डायरेक्टर प्रोड्यूसर, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ दिस टीम। मेरा जो रोल है वो एक सिस्टर का है, मेहर। शी इज़ अ वेरी क्यूट गर्ल, वो बहुत एक प्यारी सी क्यूट सी लड़की होती है, जो हीरो की जान होती है, हीरो की मुँह बोली बहन होती है। इसमें जितने भी हीरो के रोल हैं उनकी सबकी जान ये उसकी सिस्टर होती है। तो ये बहुत ही सिंपल सी क्यूट सी लड़की है जो इसका रोल लिखा गया है। बाकी आई होप कि मैं उसको बहुत अच्छे से प्ले कर पाऊँ एंड अपना 100% दे पाऊँ। मेरा नाम रेशमा खान है, मैं इस फिल्म में एक चंदा का कैरेक्टर कर रही हूँ, जो
बहुत ही अच्छा चंदा का कैरेक्टर है, हीरो का दोस्त रहता है, उसकी बहन का कैरेक्टर है। तो गैंग्स ऑफ बिहार की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और मैं चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा अपना किरदार मैं निभा पाऊँ। थैंक यू। और कब तक फ्लोर पे जा रही है, कब शूटिंग शुरू होने वाली जी? फरवरी 15 के बाद हम लोग का शेड्यूलिंग होने वाला है और शेड्यूल के बाद बाकी पता चली जाएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मेरा नाम अफरोज खान है और इस फिल्म का म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ और हमारे साथ हमारे बड़े भाई उस्ताद मोहम्मद सलामत साहब, जो सब जानते हैं हमारे इंडस्ट्रीज़ के लेजेंड नाम, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हमारे भाई मोहम्मद शफीक सैफी साहब, और इसके जो राइटर डायरेक्टर हैं वो कुमार नीरज जी, बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर। और कुल मिला के इसमें जो गाने, जो इस फिल्म के गाने हैं, आज पहला मुहूर्त हमारे भाई उस्ताद मोहम्मद सलामत जी के बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज के साथ हुआ है। और वो गाना इन्होंने गाया है जहाँ पे जो गैंग्स ऑफ बिहार में जो ये जो रियल स्टोरी है, अब दर्शक को बड़ा मज़ा आएगा, जहाँ पे किडनैप होते हैं कोई बिजनेसमैन का बच्चा, वहाँ पे ये गाना जो आज हम लोग हमारे सलामत जी ने गाया। और नो डाउट स्टोरी इसकी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी कहानी है। और चूँकि मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ, मेरा जहानाबाद घर है, और चूँकि जो दर्द सहता हूँ, चूँकि बचपन से दिल्ली घराने का मैं शागिर्द रहा और हमारे उस्ताद साहब सलामत भाई भी उसी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इस फिल्म में जावेद अली साहब गा रहे, वैशाली माड़े जी हैं, सना जी हैं और भी बहुत सारे सिंगर हैं। बट आज का जो गाना है वाकई ऑडियंस को पूरा मज़ा आएगा, क्या बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और इसके जो राइटर हैं अमान छोटा साहब हैं और इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दर्शकों, हमारे फैंस की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी और मैं पहली बार इस फिल्म के माध्यम से, सलामत जी के लिए भी बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ होगा क्योंकि बहुत सारा प्रेशर था कि सलामत जी का छोटा भाई भी इस फिल्म के साथ पर्दे पे आ रहा हूँ मैं और वो अपनी आवाज़ में पंजाबी गाना लेके मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। तो वो गाना मैं बाद में रिकॉर्ड करूँगा, उसका म्यूज़िक बन चुका है। और नो डाउट हम गैंग्स ऑफ बिहार की पूरी टीम को और ख़ासकर मीडिया वालों का मैं दिल से अखिलेश भाई का धन्यवाद करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म इंशाल्लाह 2020 के जून जुलाई तक रिलीज होगी और दर्शक पूरा रोमांटिक्स और आइटम, चूँकि बिहार में लोग बोलते हैं आइटम नहीं, बिहार एक बहुत ही प्यारा राज्य है और वहाँ पे लोगों का जो सम्मान है, नारी का सम्मान है, बहनों का सम्मान है, बहुत अच्छा है। चूँकि आज हमारे कुछ बोला नहीं चाहिए भोजपुरी वाले, हमारे भाई कुछ गड़बड़ कर दिए हैं, मैं उनसे भी बोलूँगा कि कम से कम सभ्यता का ख्याल में रखें। आज हम लोग जो आइटम सॉन्ग किया है, क्लब सॉन्ग किया है, उसमें कोई वल्गरिटी नहीं है, जो एक माहौल है, जो एंटरटेनमेंट है, वो हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सलामत जी, आप गाने के बारे में बताइए, जैसे सर ने बहुत सारी बातें कह दी है म्यूजिक के बारे में ऑलरेडी, गाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। ये हमारे अफरोज खान कमाल कंपोजर हैं, बहुत अच्छे कंपोजर हैं और ये एक बहुत ही अच्छा नगमा है जो मैं गाया हूँ, एक आइटम सॉन्ग है और बहुत ही अच्छा लिखा है और बहुत अच्छा कंपोज किया है, मुझे बहुत मजा आया गाने में। तुझे पैसा दूंगा और प्यार करूंगा, ज्यादा मैं नहीं सुनाऊंगा, 2 लाइनें सुना देता हूँ। तुझे पैसा दूंगा और प्यार करूंगा, तुझे पैसा दूंगा और प्यार करूंगा। बहुत ही अच्छा नगमा है, आप ये जब मार्केट में आएगा तो ये धमाल करेगा सॉन्ग इंशाल्लाह। कौन सी सिचुएशन में आएगा ये गाना, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। और तो मैंने बताया ना आपको, ये सिचुएशन क्लब में सब लोग बैठे हुए हैं, गैंग वॉर चालू एकदम से, वहाँ प्रोग्राम चल रहा होता है और हमारे जो आर्टिस्ट हैं परफॉर्म कर रहे होते हैं, अचानक वहाँ जो बाहुबली हैं उनकी एंट्री होती है और एंट्री होते ही उसमें उस लड़के को किडनैप किया जाता है, वहीं पर ही है। सर इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं, मूड है एक क्लब का सॉन्ग जो सलामत जी ने रिकॉर्ड किया, दूसरा है हमारा आइटम सॉन्ग जो वैशाली माड़े गा रहे, तीसरा जो है सूफी सॉन्ग वो भी हमारे जावेद अली और सलामत जी दोनों गा रहे हैं। अरे वाह जी, दोनों भाइयों की जोड़ी है और उसमें एक फीमेल पार्ट भी है, वो भी उसका नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ। और बाकी रोमांटिक सॉन्ग्स में अल्तमश फरीदी जी गाएंगे इंशाल्लाह और सना जी गाएंगे,
और कुल मिला के 5 सॉन्ग है। और मैंने आपको बता दिया कि मैं आपने, क्योंकि मेरे बहुत सारे फैंस की रिक्वेस्ट थी कि सर थोड़ा बहुत आप अच्छा गा लेते हो तो एक बार आप भी पर्दे पे आओ, तो हमारे नीरज जी ने उसमें जो कि वो भी रियलिस्ट सिचुएशंस है, तो मैं इस बार पर्दे पे अपनी आवाज़ के साथ आ रहा हूँ। बहुत अच्छा गाते हैं मेरे भाई, कोशिश प्लीज़। ये बड़ा ही पंजाबी सॉन्ग से बड़ा मस्त गाना है। तेनु देख बिना चैन ना वे, तेनु देख बिना चैन ना वे, हो जाने किस लिए दिल घबरावे, मेरी जान पे हो मेरी जान पे बन बन जावे, तेनु देख बिना मेरी जान पे बन बन जावे, तेनु देख बिना। थैंक यू। इसमें मेरा नाम रचना सोनी है और मैं इसमें स्पेक्टर कर रही हूँ, और ये मूवी बहुत अच्छी है, मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी इसकी। और जैसे कि बिहार में आजकल आप पता ही है आपको कि कितना क्राइम है, उसके ऊपर ये मूवी है। बेसिकली लालू जी प्रसाद यादव उनके ऊपर है, और हमारे जो अफरोज जी सर हैं ये इनका म्यूज़िक है बहुत अच्छा, और हमारे डायरेक्टर साहब कहाँ हैं। हाँ, और बस यही कहना चाहूँगी कि मेरे बहुत सारी शुभकामनाएं इस मूवी के लिए कि बहुत अच्छा है, इसको बनाया जाए और रिलीज़ किया जाए। थैंक यू जी। मैम आप कहिए। मैं रीना जॉन, गैंग्स ऑफ बिहार, जितने भी आर्टिस्ट हैं जो भी काम कर रहे हैं इसमें, दिल से उनको शुभकामनाएं हैं, बाकी तो क्या बोले। थैंक यू। धनंजय आप बताइए। मैं धनंजय सिंह, इस फिल्म में एक नेगेटिव कैरेक्टर करने जा रहा हूँ, गोलू नाम का ये किरदार है, और कुमार नीरज जो है सर उन्होंने वन लाइन बताया, बहुत ही अच्छी स्टोरी लगी, बिहार बेस्ड स्टोरी है। और अफरोज भाई जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर है, एकदम जैसे कि बिहार का सॉन्ग है, फुल देसी तड़का वाला सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा है, आइटम सॉन्ग, तो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। इस तरीके से बताया, मैं इनके पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, इस प्रोजेक्ट में इन्होंने ही मुझे बोर्ड किया था नीरज जी के साथ, पहला ये फिल्म मेरी है। और जैसे गैंग्स ऑफ बिहार जो स्टोरी का नाम है, उस हिसाब से हमारी स्टोरी है, और बिहार के ऊपर उनके जितने भी काले कारनामे उस तरह की चीज़ें हैं, तो अभी स्क्रीन प्ले पे तैयारी हो रही है, जैसे शूट पे जाएंगे चीज़ें बोर्ड होंगी फिर हम आगे बता पाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं हूँ अली अब्बास, तेज रफ्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों पर।